सम्मान है, आपने जो ये सम्मान दिया उसके लिए भी मैं, जो आपने मुझे सम्मान दिया उसके लिए भी मैं अपना तहदिल से धन्यवाद करती हूँ। और जैसे कि अभी मैंने अपने बारे में आप लोगों को बताया, मैं करंट नेशनल बैडमिंटन प्लेयर हूँ, सिटी वॉलीबॉल में नेशनल प्लेयर हूँ, मैं ड्रिस्ट हूँ और थाईलैंड मैंने अपने देश को रिप्रेजेंट किया था। साथ ही मैं आपके जो स्पर्श गंगा अभियान है, सफाई अभियान, उसकी मेंबर रही हूँ और समय समय पर जो स्वच्छता के लिए जो मतलब मुहिम चलाई जाती है उसमें मैं प्रतिभाग करती हूँ। और इसी तरह अभी हमारे फिलहाल देहरादून में कोरोना से पहले 10 किलोमीटर की मैराथन हुई थी जिसमें मैंने 20,000 लोग थे जिसमें मैं अकेली हैंडीकैप थी और मैंने उसमें प्रतिभाग किया था। 10 किलोमीटर मैंने चेयर से उसमें पार्टिसिपेट किया और इसी तरह समय समय पर जब भी मेरे को मौका मिलता है जैसे सफाई अभियान को लेकर मैराथन करना है या कोई ड्रग्स को लेकर करना है, इस तरह की मैं समय के अभियान में शामिल होती हूँ। और उसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ, अभी यहाँ पे एक प्रोग्राम चला था हमारे जो आदरणीय डीजी अशोक कुमार जी हैं उनकी मुहिम का भी मैं हिस्सा हूँ। उसमें आपके जो ये था भिक्षा नहीं शिक्षा, उसमें उन्होंने हमारी ट्रस्ट को शामिल किया है। मेरी एक ट्रस्ट है मिर्जा देवभूमि चैरिटेबल ट्रस्ट जिसमें मैं दिव्यांगों के लिए काम करती हूँ। जो बच्चे आगे मतलब घर में होते हैं मतलब जो डिमोटिवेट होते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते हैं या डॉक्टर ने जिन्हें जवाब दे दिया है कि बैठते हैं, तो उन बच्चों को मेरा काम होता है कि उनके घर जाना, उनसे मिलना, फिर उन्हें सब चीज़ें बताना जैसे कि मैंने किया है कि तुम भी कर सकते हो। तो इसी तरह मैं उन बच्चों के पास जाती हूँ और उनको करने का काम करती हूँ। समय समय पर उन्हें व्हील चेयर, उनको स्पोर्ट्स में कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं उनके लिए बताती हूँ। और ऐसे ही मैं जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी मैटर हूँ, तो बेटियों के लिए भी मेरी ट्रस्ट कंटिन्यू काम करती रहती है। उनकी शिक्षा पे है कि उन्हें किस तरह की कोई एजुकेशन की जरूरत है, उनको फीस की समय समय पर जरूरत पड़ती है, तो इस तरह का मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि हम अपनी ट्रस्ट के माध्यम से ये काम कंटिन्यू करते रहते हैं। अभी एक टाइम आप लोगों को पता है कि कोरोना में कितनी ज्यादा परिस्थिति आई थी कि मतलब जब लोग घर में बंद थे, तो मैंने मेरी ट्रस्ट उसी टाइम मेरे को ध्यान है कि 15 दिन हुए थे रजिस्ट्रेशन कराए गए और वो भी मैंने आपकी यहाँ की जो हमारी आदरणीय गवर्नर मैम थी उनसे मेरी बेटी हुई थी। उस बात पर हमने कहा था कि बेटा आप बंद कर क्यों ज़्यादा हेल्प करते हैं, तो आप अपनी ट्रस्ट को क्यों नहीं रजिस्ट्रेशन कराते हैं। तो मैंने कहा कि मैं मेरे को ओपन में काम करने में बहुत अच्छा रहता है, इसमें संतुष्ट हूँ। तो बोले नहीं आप इसे रजिस्ट्रेशन कराइए और अगर आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो फिर गवर्नमेंट भी आपका सहयोग करेगी और आप इसे कराइए और मेरे को हमें आप जैसे ही लोगों की तरह से जो ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं। तो मैंने उनकी बात को माना और मैंने मुझे ध्यान है कि मैंने लॉकडाउन से 15 दिन पहले रजिस्ट्रेशन कराई, तब मेरे पास अकाउंट में आप देखेंगे कि 2,000 रुपये और उससे पहले मैं कंटिन्यू त्रिवेणी घाट है ऋषिकेश, शायद आप लोग जानते भी हो ऋषिकेश। तो मैं गरीबों को 250 लोगों को हर फ्राइडे को भोजन खिलाती हूँ, उससे पहले हर फ्राइडे कंटिन्यू मेरा चलता था। लेकिन जब लॉकडाउन लगा तो मुझे ऐसा लगा कि आज तो मतलब इतनी ज्यादा जरूरत है जबकि उतनी ज्यादा जरूरत उस टाइम नहीं। तो मैंने उसी दिन मेरे मन में आया जब लॉकडाउन के 2 दिन हो गए, मैं सोच रही थी कि उन लोगों का क्या होगा और मेरे पास तो होंगे 2,000 रुपये। फिर आप सकते हो आप घर में मैं कह नहीं सकती हूँ कि जब लॉकडाउन लगा कि आप भी मेरे को मतलब कुछ करो कि मैं लोगों की हेल्प कर सकती। फिलहाल उन्होंने थोड़ी बहुत करी लेकिन मैं कह नहीं सकती लोगों से। तो आप यकीन मानिए मैंने उसी दिन अपना एक संकल्प लिया और जैसे जो लोग बैठे थे मैं उन्हें 30 फीट सीढ़ियाँ 30 सीढ़ियाँ के ऊपर और पीछे से जहाँ पे कि पुलिस वाले ना आए वहाँ पे मैं कोरोना टाइम पे उनको पान बिस्किट जो सूखा सामान था पहले तो मैं जैसे खाना दे दी थी मैं मनवा के, लेकिन वो अलग ही था तो बिस्किट पान वगैरह देके किसी शॉप से परचेज करके मैं दे गई।
करो। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, डिस्काउंट की कोई जरूरत नहीं, आज आप हमारी तरफ से ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करो। तो मैंने कहा ठीक है। और ऐसे करके आप यकीन मानेंगे वो दिन मेरा स्टार्टिंग का दिन था और मैंने कंटिन्यू बिस्किट बन को दिए और साथ में मेरे पास सोशल मीडिया और सबके माध्यम से इतने ज्यादा लोग जुड़ने लगे थे कि मैंने उस कोरोना के 3 महीने में आप देखेंगे जिसके पास 2000 का मतलब बैलेंस था उसने सीधा 3 से 4 लाख तक का काम। और कोई ऐसा पैसा नहीं था कि जिसके घर मैंने जाके राशन की किट ना दी, उसमें मैंने राशन की किट उपलब्ध कराई। आपके जो बच्चों को चेयर हैंडीकैप बच्चे थे उन्हें चेयर दिलाना, किसी के घर में कोई दवाई के पैसे नहीं है उसे दवाई के पैसे दिलाना, तो इसमें पूरा मेरा सपोर्ट थी। छोटी बहन नुपुर गोयल जो कि मेरा बिल्कुल राइट हैंड है और वो हमेशा मेरे हर काम में मेरे साथ रहती है, चाहे कोई सा भी काम हो तो वो मेरा कंटिन्यू उसमें सहयोग करती थी और करती आ रही है बचपन से लेके आज तक। तो मैं यही काम करती रही और पूरा कोरोना टाइम मैंने लोगों की हेल्प की। उसी के बाद जो सेकंड वेव आई तो उसमें तो सबने मेरे को फैमिली में मना कर दिया था, फिर मेरी मदर और ब्रदर को छोड़ के कि आप लोगों को घर में ही जाना है दोनों, आप लोग मतलब इस टाइम घर में रहो। और मेरे बाहर से भी मेरे रिलेटिव के फोन आते थे, वो भी कहते थे कि आप लोग घर मत जाओ, लेकिन मेरा मन नहीं मानता था। मैं सोचती थी कि ठीक है ये लाइफ हमें किसके लिए मिली है, लोगों की हेल्प करने के लिए। मुझे बस दिमाग में एक ही बात रहती है कि मुझे लोगों की हेल्प करनी है, मैं कैसे कर सकती हूँ मुझे वो रहता है, मेरा क्या होगा वो देखना है। तो वो सारी चीजें मेरे दिमाग में रहती थी और मैं वही करके आप देखेंगे सेकंड कोरोना में जबकि मेरी सिस्टर का फोन आया था कि तुम बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हो, घर में भी मम्मी भी है उन्हें भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मैं नहीं मानी और हमने घर घर जाके एपीपी वाले से कॉन्टेक्ट कर लिया था। घर घर जाके मैंने कॉन्टेक्ट किया, मेरी कोई टीम ने मना करा था कि हमें रिश्ता हम नहीं जाएंगे, लेकिन मेरी सिस्टर और मैं हम दोनों घर जाते थे, दोनों टाइम हम लोगों को देते थे और इसी तरह ऑक्सीमीटर और मेडिसिन जितनी भी हमसे हेल्प होती थी किसी के लिए, कोई भी डॉक्टर हमसे कॉन्टेक्ट करता था उस बीच में राशन जो चीज हम कर सकते थे वो हम दोनों मैंने कंटिन्यू करते थे। अब ये ग्रह आज तक हम लोगों का चल रहा है कि हम लोग अब खैर कोरोना का दौर टाइम चला गया, लेकिन कहीं ना कहीं अब हमारा एक अपना सपना है कि जिसमें जो दिव्यांग लोग होते हैं मतलब रिहैबिलिटी की जरूरत होती है उनके लिए हम एक सेंटर बनाना चाहते हैं जो मेरा सपना है। तो वो मैं कोशिश कर रही हूँ कि जरूर एक ना एक दिन पूरा होगा जिसमें कि जो दिव्यांग लोग हैं जिन्हें दिल्ली जाना पड़ता है, बाहर से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आते हैं और उन्हें सही इलाज नहीं मिल पा रहा है, जिनको डॉक्टर जवाब दे चुके हैं कि मतलब ये लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। ये बात से मैं अभी एग्री करती हूँ कि वो लाइफ में नॉर्मल नहीं हो सकते, लेकिन ऐसा नहीं है कि नॉर्मल का मतलब ये है कि वो जैसे मैं कर सकती हूँ वो भी बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उनके माता पिता गांव के होते हैं कुछ लोगों को पता ही नहीं होता है। तो वो चीज की ट्रेनिंग हमारा सेंटर कराए उन्हें कि वो अपना डेली रूटीन का काम कैसे करें जो अपने मम्मी पापा पे बोझ ना बन सकें और वो आगे जॉब कर सकें बहुत अच्छे लेवल की। तो वो सारी चीजें हमारा एक सपना है, तो जब तक हम जाएंगे वो सपना पूरा होगा। और अपने अचीवमेंट के बारे में तो मैं मुझसे कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, मैं सिर्फ अपने कार्य बता सकती हूँ, वो मैम है वो आपको इस बारे में बताएंगी जो भी मेरे अचीवमेंट रहे हैं। तो बस आप सब महिलाओं के लिए मैं संदेश देना चाहती हूँ क्योंकि ये सब आपने सुना लेकिन आपके लिए बहुत ईजी होगा कि मिर्जा गोयल ने करा और सुनाया, लेकिन ये जो इसका पीछे की जो मेरी जर्नी थी वो अगर मैंने आपको शायद बताई तो आप ही सोचेंगे कि हाँ ये कैसे करा, कि बहुत सारी महिलाएं हैं जो घर के वातावरण और हर चीज़ों से परेशान हो जाती है। मैं तो हैंडीकैप हूँ लेकिन आप लोग तो नॉर्मल हैं, तो आप लोग भी सोचेंगे यार कि हम नहीं कर सकते यार। बहुत सारी मैंने महिलाओं से बात करती हूँ कि हमारे पति रोग है, कोई कहता है हमारे पास आज की स्थिति खराब है, कोई कहता है कुछ है, तो ये सब चीज मेरे लिए मायने नहीं रखती है। मेरा मानना है कि अगर हम लोग कोई भी काम के लिए अगर अपना दृढ़ निश्चय कर लें कि हमें ये करना है तो हमारी कंडीशन कुछ भी हो, हम कोई भी चीज फेस कर रहे हो हमें कोई भी चीज नहीं रोक सकती है। बस मन में एक दृढ़ता सच्चाई और लगन होनी चाहिए, ठीक मेरा उद्देश्य है। हमेशा मैं जो काम करती हूँ सच्चाई से करती हूँ, ग्राउंड लेवल पे करती हूँ और एक लगन से करती हूँ। तो
तो हमें कभी भी सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। तो जितनी भी आप महिलाएं यहाँ बैठी हैं, आप सबको बोलना चाहूंगी, सबसे पहले तो मैंने आपको महिला दिवस की बधाई दी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। और जो मैंने आपको ये तीन चीजें बताई हैं, अगर आप अपने जीवन में उठा ले तो आपने जो चीज खानी है, चाहे कितनी भी बड़ी परिस्थिति आपके सामने आए, हर चीज का सामना कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं आप सबको धन्यवाद कहना चाहूंगी। आप समर्पण के भाव को, उनकी इस साहस को, उनकी कर्तव्य निष्ठा